नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। राजधानी पटना में हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बेखौफ अपराधी दिन दहाड़े हत्या कर रहे हैं और बेखौफ होकर घूम रहे हैं, किसी का उन्हें डर नहीं है। ताजा मामला दानापुर से है, जहां पर शाहपुर थाना क्षेत्र के भगवतीपुर में बुधवार को देर शाम बेखौफ बदमाशों ने 40 वर्षीय युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। आनन फानन में स्वजनों ने पुलिस को सूचित किया और जख्मी को दानापुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की सूचना मिलते ही SDPO दानापुर और शाहपुर थाना अध्यक्ष दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। घटना के संबंध में बताया गया है कि 40 वर्षीय अजेश कुमार बुधवार को सगुना मोड़ दानापुर से घर भगवतीपुर आ रहे थे। इसी बीच करीब शाम 5 बजे पहले से ही घात लगाए पड़ोसी राहुल सहित अन्य लोग ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। गोली मारने के बाद सभी भाग निकले। गोलीबारी में एक गोली अंगेश के जांग में लगी, इससे वो बेहोश होकर नीचे गिर गए। वहीं मौजूद लोगों ने शोर मचाया और उसके बाद आसपास के लोगों ने जख्मी को दानापुर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना की सूचना मिलते ही शाहपुर थाना अध्यक्ष मनीष कुमार पुलिस बलों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, मामले की छानबीन में जुट गए। घटना का कारण जमीन विवाद बताया जा रहा है। हालांकि घटना के समय घायल का भाई का कहना है कि गांव के ही राहुल, सूरज, नीरज, अंकित और राम कुमार ने गोली मारी है। ये लोग जमीन माफिया से जमीन बेच दिया है इन्होंने, जिसके बाद हमसे टाइटल सूट चल रहा था, जिसके कारण गोली मारी गई है। पहले भी ये लोग धमकी देते थे कि गोली मार देंगे। हालांकि अब तो पुलिसिया अनुसंधान और जख्मी के फर्दर बयान आने के बाद ही सच्चाई का पता चल सकेगा। इस संबंध में SP दानापुर दीक्षा क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। क्या मामला है, किस तरह की गोलीबारी हुई है? जी, आज शाम को भगवतीपुर में, आज दिनांक 21/8 को शाम को भगवतीपुर शाहपुर थाना क्षेत्र में सूचना मिली कि एक अजेश कुमार हैं, पिता सिद्धनाथ शर्मा, जिनके पैर में गोली लग गई है और उन्हें ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है नियर बाय हॉस्पिटल में। उसी की जांच पड़ताल की गई, तो जो उनके भाई थे उन्होंने घटना को देखा था, वे ही उन्हें ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। उनके द्वारा बताया गया है कि इनके जो पड़ोसी हैं यहीं रहने वाले राहुल इत्यादि, उनके द्वारा ही गोलीबारी की गई है। इनका पुराना विवाद चल रहा है ज़मीन को लेके, और उसी में आपस में इनका जो भी लड़ाई थी उसी के चलते आज गोलीबारी हुई। CCTV फुटेज भी सामने आया है, पहले भी कई बार लोगों ने राइफल लेके घर पे हमला किया। एक CCTV उनके द्वारा प्रोवाइड किया गया है, उसकी जांच की जा रही है कि वो लोकेशन कहाँ की है, क्या है, उसकी जांच करके उसको भी लाया जाएगा। जो है आवेदन ले लिया गया है परिवारजनों से और उस पर FIR दर्ज की जा रही है। जो भी CCTV फुटेज वगैरह मिलेंगे, जो पुराना इनका विवाद है और सारे मसले हैं, उस सब की जांच करके केस में लाया जाएगा। अभी जिनको गोली लगी उनकी हालात कैसी है? अभी ठीक है, स्टेबल है। सुना आपने SP दानापुर दीक्षा को, उन्होंने बताया कि घटनास्थल के आसपास के दुकानों में लगी CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है। उम्मीद है कि अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं घायल के भाई राहुल कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कैसे हुई है बताइए घटना? मेरे भाई को घर में करीब 5 बजे गया वो यहाँ सगुना मोड़ से, उसके बाद उसके गोली फायर कर दिया। राहुल कुमार, सूरज कुमार, उसके पिताजी हैं राम कुमार और नीरज कुमार, और जो है क्या बोलते हैं पुरुषोत्तम कुमार है विजय कुमार का लड़का, और एक योगेंद्र सिंह का लड़का है अंकित कुमार। ये सब लोग ना हम लोग के पीछे बहुत दिन से साजिश रच रहे थे। साजिश रचते रचते आज गोली लोगों ने हम लोग का दाग दिया। कितने बार ये लोग बोल भी चुके हैं कि गोली मार देंगे, गोली मार देंगे। उसका भी कुछ फुटेज मेरे पास है, जो मेरे कैमरे पुलिस को आपने इसकी इन्फॉर्मेशन दी थी? पुलिस को भी दिया था, पुलिस को फुटेज भी दिया था। ये लोग स्कॉर्पियो में लेकर राइफल लेकर घूमते, उसका भी फुटेज मैंने दिया था, मगर इनके ऊपर कोई आगे कार्रवाई नहीं हुआ। या जो भी हो, लाइसेंसी बंदूक था या जो भी था। कितना राउंड गोली चला? गोली 3 राउंड चलाया है, जिसमें एक गोली जांघ पे लगा है, 2 गोली मिस किया है। क्या कुछ पहले से विवाद था? विवाद यही था कि हम लोग जमीन का भूमाफिया लोग से ही लोग ना गोतिया से लिखवा दिया था, जिसका हमने टाइटल सूट केस कर चल रहा था। इसी में ये लोग जमीन नहीं हो पा रहा था, हम लोग लड़ रहे थे, इसी में लोग ने हम लोग को गोली मार दी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। तो सुना आपने घायल के भाई को। अब एक और मामला पटना सिटी का है, जहां पर हत्या का सिलसिला लगातार जारी है और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। पटना सिटी के खाजेकला थाना क्षेत्र के घसियारी गली स्थित की ये घटना है। अपराधियों ने एक युवक को चाकू गोद कर हत्या कर दी है। युवक ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। मृतक की मां ने आरोप लगाया है कि आरोपी गुड्डू उर्फ सोनी, जो मामा है, मृतक के मामा हैं, वो पहले छोटू उर्फ सोनी को, दोनों में लड़ाई हो रही थी। इसके बाद मामा ने भांजे को शराब पिलाकर उसकी हत्या कर दी।
क्या कुछ कहना है मृतक की माँ का, सुनिए। खाली अपने में दोनों लड़के झगड़ के बाबू का चक्कू मार दो बेचा रहे नहीं खींच रहे नहीं खींच रहे नहीं खींच रहे बेटा मैं दौड़ा ले दौड़ भागा तो खेत के वो चक्कू मारिए चाकू मारा है मेरा भाई है छोटा जिसको मारा वो कौन है? मेरा बेटा था दोनों में कुछ नहीं दारू पिया के मार दिया मेरे बेटा को मेरा बेटा का नाम था बेटा का छोटू कुमार छोटा बच्चा पत्नी है मेरे मार दे एको बच्चा उसको है दुगो बच्चा आगे मैया बाबू के चक्कू मार दे के पेट में मम्मी को पानी मिलाओ अपनी मम्मी को। सुना आपने, लोगों द्वारा घटना की जानकारी पुलिस को दिए जाने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और पूरे मामले की जांच में जुटी है। क्या कहना है पुलिस अधिकारी का वो भी सुन लीजिए। मिले यहाँ पर के हरी गली में अभी थोड़ा समय पहले एक नौजवान जिनका नाम छोटू कुमार है उन्हें चाकू मारा गया उनके मामा के द्वारा। इसी क्रम में उनका देहांत हो गया। यहाँ पर लोग आए हैं यहाँ पर लेकर पहले कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम था इसका जो मृतक जो मृतक का नाम छोटू कुमार है और इनके जो मारने वाले किसने मारा कौन है ये बताया गया है इनके परिजनों द्वारा। इनके मामा जो कि छोटू कुमार नाम है इससे लड़ाई झगड़ा हुई था पुलिस के द्वारा बता दी। क्या मामा फरार है क्या? अभी हम लोग आगे छापेमारी कर रहे हैं। सुना आपने, पुलिस अधिकारी को हत्या किस कारण किया गया है, पुलिस हर बिंदु पर जांच में जुटी है। दानापुर से पशुपति और पटना सिटी से मुकेश की ये रिपोर्ट है। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।